ethnobiologist वहाँ पर से evaluation of the root drug. सबसे पहले वहाँ पर evaluation of root drug की बात करेंगे कि दो चीजें हैं जो हम तब भी previous हमारे topics में पढ़ी हैं उसके तरह से study करते हैं. सबसे पहले बात आते हैं कि evaluation का मतलब क्या होता है. evaluation का मतलब होता है किसी चीज को determine करना, determination उसके बारे में उसकी जो है जांच करना. और root drugs कौन से होते हैं अगर जो undefined drugs होती हैं raw materials होते हैं जो हम लोग plants में डालते हैं उसको बोलते हैं. अब हम लोगों ने क्या करनी है क्रूड ड्रग्स की वैल्यूएशन करनी है. कैसे वैल्यूएशन करनी है हम लोगों ने कि हम लोगों ने एक पौधा लिया एक प्लांट लिया ठीक है एक ट्री लिया हम लोगों ने तो हम लोग देखने के उसके एंसेस्टर्स के फोर फादर के पैथोजन उसका ट्री उसका बार ठीक है ये सब चीज़ें उसके स्टैम हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग देखा. अब इस चीज़ों को क्रूड ड्रग्स की इवैल्यूएशन करने के लिए फिर उसको डिवाइड करके अगर क्लासिफिकेशन देखा जो हमारे पास कौन कौन सी होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है केमिकल होती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास और हम सोचते हैं ऑर्गेनो Yeah.
अज़ाब या ये शेप या उसका क्या होता है काम, ठीक है, क्या उसका काम आर्डर देता है मूवमेंट या अलग अलग क्या. तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारी पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो काइनेटिक्स है उसके मतलब क्या है कि आपने ड्रग खाई है और ड्रग जो है वहाँ पर जाके अब्जॉर्ब होती है, तीन दिन बाद में जो गुजरती है मुझे कम होती है. फिर ड्रग ने क्या इफेक्ट होता है, अगर पेन की उसने पेन कम किया, पेन कम नहीं किया तो क्या किया, अदर सिस्टम को इफेक्ट किया, वो वापस हो जाएगी डायनामिक. बट ड्रग डस विद अवर बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स, बट बॉडी डस विद ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स. जो हमने प्लान किए हैं दूध दिया वो डेडियल लाइफ नहीं है हमारी, उसकी लाइफ जो है उसके एक्सेस्टर्स हैं उसके रूट्स हैं वहाँ पास नहीं है, ठीक है. फिर हमारे पास आती है एनालिसिस के, हमने एनालिसिस भी करना होता है ड्रग बन के उसका एनालिसिस किस तरह से करना है, ठीक है. आपने अनडिफाइंड ड्रग रूट बना लिया उसको सस्पेंशन फॉर्म में या फिर जब कैप्सूल की फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में करना है तो आपने क्या करना है देखना है उसको एनालिसिस कराते हैं. दो तरीके से एनालिसिस कराते हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास होता है कि हम कराते हैं इसको क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हम इसके अंदर क्या क्या करवा देते हैं स्टेटोस्कोपी करवा लेते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, बट इस जमीन को क्रोमा कलर, ठीक है. कलर हम उन्होंने भी एग्जाम्पल दी थी कि एक आपके पास प्लांट है, एक प्लांट का लीफ है, एक रेड कलर ग्रीन कलर का है सॉरी एक डार्क ग्रीन कलर का एक लाइट ग्रीन कलर का येलो. अब आप सबसे पहले तो येलो को स्किप करें क्योंकि येलो हम लोगों ने इसके अंदर करवाने हैं, लाइट और ग्रीन में करेंगे, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में करेंगे. डार्क ग्रीन हमारे पास क्या है फ्रेश है एंड द लाइट ग्रीन विल बी द डेड मैन, डेड मैन थोड़ा लेस अफेक्टेड देन द ग्रीन. तो ग्रीन हमारे पास फ्रेश आया है. आप दोनों ने क्या करना फिर क्रोमेटोग्राफी कराने में फिल्टर पेपर रख के आप लोग क्या करेंगे देखिए उसका कल्टिवेशन इवैल्यूएशन करानी है. कल्टिवेशन वाले अपने प्रोसेस फिर हम लोग क्या करवा लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ये उसके अपना जो दूसरा वो कौन सा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला. स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है जैसे एक इंसान है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं एनालाइज करते हैं उसकी पूरी बॉडी को. इस तरह से ट्री की प्लांट की या ड्रग उसके एनालिसिस में हम लोग क्या कराते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं. उसमें क्या आता है इंसान में एमआरआई स्कैन आता है ये चीज़ें आती हैं. हम इसमें क्या करते हैं यूरिन करवा लेते हैं, ठीक है. उसके अलावा हम आईआर पास करवा लेते हैं, एनएमआर करवा लेते हैं, ठीक है. ये चीज़ें भी करवा लेते हैं एनालिसिस कराने के लिए. इसमें हमारे पास प्लांट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस. लास्ट वन इज द स्ट्रोमेटा लिंक. स्ट्रोमेटा क्या होता है हमारे पास जब हमारे पास रात टाइम सी ओ क्या हो रहा होता है इनहेलेशन होती है और बाहर आता है और वाटर क्या होता है बाहर हमारे पास आ रहा होता है. इस प्रोग्रेस को हम क्या करते हैं स्ट्रोमेटा, ठीक है. तो इसमें स्ट्रोमेटा हमारे पास क्या होता है एक आता है हमारे पास सेल इवैल्यूएशन करा देते हैं. तो ये हमारे पास था इवैल्यूएशन ऑफ फूड ड्रग्स हम लोग क्यों करवाते हैं किन तरीकों से कराते हैं और क्या क्या चीज़ें देखें हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं.